तो हेलो गाइस, नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे एक नए ब्लॉग में। और गाइस, अभी मैं इधर खेत पे हूँ, ये देख सकते हो, ये हमारा घर है ना, तो उधर से गेट है इसका, लेकिन अभी मैं झोपड़ी के जस्ट पीछे हूँ क्योंकि खेत में हमारा काम हो रहा है। काम क्या दिखाते हैं, ये देखो गाइस, ये हमारा खेत है, इधर खेत में खड़ा हूँ मैं। और वो गाइस आपको थोड़ा दिख रहा होगा, उधर मेरी मम्मी जी और मेरा भाई शायद नहीं दिख रहा है क्योंकि धूप ज्यादा है ना, तो अभी कैमरे पर धूप पड़ रही है तो शायद आगे आपको धुंधला दिख रहा होगा, लेकिन पास करके दिखा दूंगा। और गाइस एक बात और, गाइस आपको पता होगा हमारे खेत में गोभी थी इसमें, ठीक है, तो गोभी थी, तो गोभी ना वो खराब हो चुकी थी। मैंने एक ब्लॉग बताया था बना के कि गोभी खराब हो रही है, इसमें छोटे में फूल बन गया है, ऐसे एक ब्लॉग बनाया था मैंने, ठीक है। अब गाइस वो क्या हुआ था, उस वक्त सूखी नहीं थी, लेकिन अब ना सूखने लग गई है और गोभी हमारी खराब होती जा रही है, मतलब उसके पौधे हैं वो सूखते जा रहा है, तो काफी ज्यादा खराब हो रही है। सूख रही तो खराब हो ही जाएगी ना, तो गाइस हमारा गोभी बहुत सारा खराब हो चुका है। तो अब ना इसमें ना पालक उगाई थोड़ी बहुत, मतलब पिछले जो आपको पता होगा मैंने पिछला ब्लॉग डाला था, काफी दिनों पहले डालता था ब्लॉग, तो उसमें मैंने गोभी का, इसमें पहले हमारी फसल थी गोभी की नहीं थी, पहले पालक की फसल थी इसमें, तो पालक की फसल थी तो वो तो फाइनल कट चुका है हमारा, सारा फाइनल हो चुका है, तो उसका कई कई पौधा है वो अभी उगाया है, पालक का पौधा है ना वो उगाया खेत में हमारे, तो उसी को मम्मी काट रही है, एक पौधा नहीं कई सारे पौधे उगाए हैं, और अगर देखते हैं सारा काट के कितना हो पाता है, अगर ज्यादा हो गए तो उसको काट के फिर उनकी सब्जी बन जाएगी, तो मम्मी इसीलिए अभी खेत में लगी पड़ी है और सारा पालक काट रही है, इतने बीच के मैं जितना भी खेत में है कहीं कहीं पे पौधा वो गश काट रहे हैं, अगर काट के ज्यादा निकल आया तो उनकी सब्जी बन सकती है, तो उसके सब्जी बन जाएगी गाइस हमारी। और अब दिखाते हैं गाइस हमारा गोभी था वो कैसे खराब हुआ था, पिछले मैंने एक ब्लॉग बताया था गाइस, ये देखो हमारा गोभी खराब हो गया था, तो पहले कैसा था पता है, ऐसा था ठीक है, इसमें फूल बन गया था और मुरझाए हुआ नहीं था, ये ऐसा था ठीक है, लेकिन अब कैसा होता जा रहा है पता है, अब खराब ऐसा होता जा रहा है, ये देखो ये गोभी फूल बन गया, अभी मुरझाने लग गया, ये देखो नीचे पत्ते ना नीचे जाते जा रहे हैं, और ऐसे ये देखो नीचे जाते जा रहे हैं, देख रहे हो, ऐसे एक दो नहीं है बस, काफी सारे और भी कहीं पे होंगे। हाँ गाइस ये रहा, ये देखो ऐसे ये देखो मुरझाने लग गया है, नीचे से पत्ते नीचे जा रहे हैं, और आप सोच रहे होंगे कि गाइस ये लगता है इसमें पानी नहीं लगने के कारण हो गया है, लेकिन नहीं गाइस ये ऐसा ही होता है, ये जब छोटे पे फूल बन जाता है ना तो ऐसा वहीं कहीं सूख जाता है और ये पूरा फूल बेकार हो जाता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, इधर सारे में है फूल बन गया, सारे में जैसे कि ये फूल है वैसे सारे में फूल बन गया है, अब ये फूल कुछ कामयाब नहीं है, अगर इतने छोटे पे खाना हो तो खा लो, वरना ये वहीं कहीं सूख जाएगा और बेकार हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक सारे में, उधर थोड़ा बार बचा हुआ है उसका देखते कितना निकल पाता है, अगर उसमें अच्छा खासा गोभी निकल आए फिर तो ठीक है, वरना पूरा खेत हमारा बेकार ही हो जाएगा गाइस, क्योंकि बेकार ऑलरेडी हो चुका है गाइस ये, तो देखते हैं आगे क्या भगवान साथ देता है हमारा, क्योंकि सारा फसल हमारा बेकार होता जा रहा है, जितना देखो उतना, ये देखो ये फसल बेकार हो चुका है गाइस हमारा, सारा फसल बेकार हो रहा है। और गाइस जो पालक थी वो गाइस ऐसी थी, ये देखो ये पालक मम्मी ने काट लिया है अभी, देखो ये जगह जगह पे कहीं ये भरा होता है ना पानी लगाते इससे, तो इसमें कहीं कहीं पे उगाई थी, ये देखो जैसे ये है और ये है, ऐसे कहीं कहीं पे उगाई थी, तो ये देखो ऐसे ठीक है, आखिर तक वहां तक उगाई थी, तो मम्मी ने क्या क्या काट के रख लिया, ये देखो इतना सारा पालक हो गया हमारा, क्योंकि इतना छोटा सा पालक है मतलब थोड़ा सा है, ये बाजार में नहीं बेच सकते थे, तो मम्मी ने इसको काट लिया है, और काटने के बाद इसको ना हम घर पे सब्जी के रूप में बना सकते हैं, तो अभी तो ये कटा हुआ रखा है, तो मम्मी और काम में लगी हुई है, उधर से लकड़ी निकाल दी है क्योंकि जलाने के लिए ना इसी ने निकाल दिया, ये देखो पालक उगाई कहीं कहीं पे, मम्मी उधर लकड़ी लगा रही है वो देखो, क्योंकि अभी सब्जी बनने वाली है शाम को, तो इसलिए लकड़ी लगाने में व्यस्त है, क्योंकि गाइस हमारे यहाँ पे चूल्हे पर सब्जी बनती है, सब्जी या फिर रोटी जो भी बने उस चूल्हे पे बनती है, गैस पे बहुत कम बनता है, गैस ऑलरेडी है लेकिन बहुत कम बनता है, क्योंकि गैस बनाने को इतने पैसे हो नहीं पाते ना, तो इधर ये देखो इतना सारा निकाल लिया है अभी, और निकाल रही है मम्मी अभी, थोड़ा देर लग जाएगा निकालने में, क्योंकि अभी तो निकालना स्टार्ट किया है यहाँ से, तो इतनी लकड़ी निकल चुकी है, लगभग एक इकट्ठा कर लेगी इसमें निकाल के, फिर इतने बीच के निकाल के फिर गैस सीधे घर पे लेके जाएंगे, फिर बनाएंगे। और गाइस अगर आपने मेरा यहाँ तक वीडियो देख लिया है, ब्लॉग मेरा देख लिया है यहाँ तक, तो कर देने का लाइक प्लीज गाइस, आज वीडियो के लास्ट में, मतलब कि बीच में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं मेरा वीडियो ना लास्ट तक नहीं देखते हैं, तो उनसे मैं कह ही नहीं पाता हूँ ना लाइक की ना सब्सक्राइब की, तो कुछ कह ही नहीं पाता हूँ, तो आपसे मेरी विनती है प्लीज गाइस अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और भी प्रेस कर लेना, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत से ब्लॉग बनाता हूँ यार, कोई भी सपोर्ट नहीं करता, तो आप तो कर ही सकते हो प्लीज गाइस, अगर आप मेरे ब्लॉग में यहाँ तक रुक गए तो आपका दिल से धन्यवाद, क्योंकि मेरा ब्लॉग कोई लास्ट तक देखता ही नहीं है,
ऑडियंस अटेंशन है वो डाउन जाता है और मेरा वीडियो एक भी बार नहीं हो पाता है। तो आपसे मेरा कहना ये है, प्लीज गाइस मेरा वीडियो लास्ट तक देखा करो, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो मेरे लास्ट तक देखते रहना। प्लीज गाइस वीडियो मजा आता है और डेली ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, मतलब कोशिश क्या करता हूँ, डेली आते रहते हैं ब्लॉग जो मेरा रेगुलर देखते हो पता ही होगा, ठीक है। और कर देंगे लाइक और कॉमेंट कुछ प्यारा से मेरे लिए कर देना ताकि मेरे को अच्छा लगे और रेगुलर ब्लॉग में लाता रहूँ। तो देखते हैं गाइस ये इस ब्लॉग पे कैसे मेरा रिस्पॉन्स मिलता है। तो गाइस अभी खाने की तैयारी हो रहा है, देखते हैं खाने में क्या बनने वाला है। तो ब्लॉग के लास्ट तक बने रहना, ब्लॉग का फिर आगे मजा आने वाला है। प्लीज गाइस यहाँ तक आ गया तो लास्ट तक तो चल ही सकते हो। और गाइस अभी आ चुके हैं हम अपने घर पे, ये देखो अभी अपने घर पे आ चुके हैं क्योंकि अभी खेत में थे ना, तो मम्मी भी आ चुकी हैं देखो खेत से। और गाइस खेत से आने के बाद मम्मी सीधा अपने झाड़ लगा रही हैं क्योंकि जो पत्ते हैं ना हमारे काफी पत्ते हल जाते हैं, ये देखो हमारे पेड़ काफी ज्यादा है ना, तो अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है तो पत्ते काफी ज्यादा झड़ते हैं ऊपर से, तो पत्ता झड़ते हैं ना तो उधर सारे पत्ते फैल जाते हैं, तो पत्ते फैल जाएंगे फिर कूड़ा ज्यादा हो जाता है ना, तो मम्मी अभी ना सारे साफ कर रही थी। और एक फायदा अगर हमारे यहाँ पत्ते झड़ जाते हैं ना, एक फायदा हो जाता है कि इससे पत्ते झड़ते हैं ना वो सूख के झड़ते हैं, सूख जाते हैं फिर झड़ते हैं, तो हम पता क्या करते हैं इनको, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम वैसा चल रहा है, ठीक है सर्दी का मौसम चल रहा है तो सारा पत्ता इधर खट्टी कर देते हैं, ये देखो इधर इकट्ठा कर लिया है। और फिर शाम को ना काफी ज्यादा ठंडी पड़ती है और सुबह को पड़ती है, तो उनको ना इनमें इनको उठा के वहां पे रख लेते हैं, फिर इन्होंने लगा के आग और फिर तापने लग जाते हैं, मतलब हाथ सेकने लग जाते हैं, हाथ शरीर सेकने लग जाते हैं, इन माचिस से आग ला के फिर सेकने लग जाते हैं। गैस ये सबसे बड़ा हमारा फायदा हो जाता है, गैस ऐसे लकड़ी हमारे बच जाती है और ताप भी सकते हैं आराम से, हाथ भी सेक सकते हैं, ठंडी चल रही है ना अभी इसीलिए गैस बहुत बढ़िया फायदा है हमारे से। लेकिन कूड़ा भी काफी ज्यादा कर देता है, ये मम्मी को घाटा क्योंकि मम्मी बार बार झाड़ लगाते लगाते बोर हो जाती है, वो सोचती है पेड़ ही नहीं होता, पर लेकिन पेड़ गैस सही हमारे यहाँ पे है, पता कैसे अभी तो गैस बुरा लग रहा है ये झड़ रहे, तो लेकिन जब सर्दी आती है ना मतलब कि मतलब गर्मी आती है तो उसकी छांव काफी ज्यादा फैल जाती है यहाँ पे, तो गैस मजा आ जाता है, ठीक है। लेकिन पेड़ भी सही है गैस, पेड़ लगाओ तो मस्त है गैस, ठीक है। और गैस अभी चलते हैं इधर में, और गैस आपको बताना चाहूंगा मेरे भाई देखो वो अंदर गैस अभी पढ़ाई में लगा पड़ा है, ये देखो उसने गैस शायद पढ़ाई भी कम्प्लीट कर लिया है, और मेरी मम्मी ने अंदर झाड़ू लगा रही है, तो इधर तो सारे लगा दिया है, बस अभी लगा रही है अंदर झाड़ू। और गैस अभी आ चुके हम फाइनली रोड पे, क्योंकि अभी थे ना घर पे तो अभी आ चुके हम रोड पे। और गैस एक बात और, अगर हमारा ब्लॉग आपको देखने में मजा नहीं आता है, मतलब कि मजा तो आता होगा क्योंकि मजा दिलाने की कोशिश करता हूँ आपको, मैं कोशिश करता हूँ ताकि मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, लेकिन अगर फिर भी आपको और हंसी चाहिए, आपको और हंसी आना है और आपको और भी फनी करना होना है, ठीक है, तो एक मेरा चैनल है जिसपे मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूँ, कॉमेडी की फनी वीडियो अपलोड करता हूँ, अगर और ज्यादा हंसना है ना तो उस चैनल पर चला जाना, तो वहाँ पर इतनी हंसी आएगी आपको कि हंसते हंसते पागल हो जाओगे, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। वो गाइस चैनल का नाम है ये, बिकॉज मेरे चैनल का नाम है किंग ऑफ कछला, ठीक है, ये मेरे चैनल का नाम है, जाके सर्च करो फर्स्ट पे मिल जाएगा, और ऐसे सर्च नहीं कर सकते तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, जाओ और उसको सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ कॉमेडी देखोगे ना तो भाई आप हद ही कर दोगे, मतलब हंसते हंसते पागल ही हो जाओगे। गाइस आप एक बार वो चैनल मेरा विजिट करके देख लेना, मस्त चैनल है, डेली वीडियो अपलोड करता हूँ, 3 बजे डेली आ जाती है और कभी दिन में भी डाल देता हूँ, उससे टाइमिंग कुछ भी नहीं, कभी भी अपलोड कर देता हूँ, लेकिन जाके देख लेना उस पर शॉर्ट वीडियो है, एक एक टक्कर की बड़ी से बड़ी कॉमेडी है, गैस मैं खुद बनाते बनाते हंसने लग जाता हूँ, आप तो गैस मैं कह नहीं सकता आप कितने हंस पाओगे, तो गैस जरूर देखना कॉमेडी चैनल में जाके, उस पर मस्त मैं वीडियो डालता रहता हूँ, गैस में इससे भी बढ़िया उस पर भी और उससे बढ़िया इस पर। तो मैंने ये चैनल बाद में स्टार्ट किया, उसके बाद में पहले मेरा वही वाला चैनल था, तो ये चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया जो लोग मैं कॉमेडी चैनल पे आते थे वो देखते थे, तो उनको मैं अपनी रियल लाइफ दिखाना भी चाहता था और मैं एक लॉन्ग वीडियो भी बनाना चाहता था, तो गैस मैंने अपना लॉन्ग वीडियो का एक चैनल खोल लिया, ये गैस जो आप ब्लॉग देख रहे हो, ठीक है, तो इस चैनल बनाया वो गैस उस पर देख लेना, मतलब इस पर नहीं हो तो इसको देख लेना, उस पर नहीं हो तो उस पर देख लेना, जो आपको मर्जी करे वो वाला गैस चैनल देख लेना बेस्ट। तो गैस इस पर मैं लॉन्ग वीडियो डालते रहता हूँ ब्लॉगिंग की, तो आप ब्लॉगिंग देखना पसंद है तो ब्लॉग देखते रहना, कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी देख लेना, क्योंकि कॉमेडी भी मैं उस पर डालते रहता हूँ, ठीक है, जो चैनल आपको मर्जी करे वो चैनल जाके देख लेना, ओके, क्योंकि दोनों पे डालते रहे। और गैस अब करना पड़ेगा मेरे को ब्लॉग यहीं पे एंड, क्योंकि गैस इस रोड पे ना लोग तैरने लग गए, चलने लग गए, क्यों शाम हो रहा है तो रोड लोग इस पे आने लग गए बहुत सारे, तो उनके सामने ब्लॉग शूट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे शर्म आती है, ठीक है, तो बहुत सारे लोग इस पे घूम रहे हैं, तो करना पड़ेगा ब्लॉग यहीं पे एंड। तो गैस ब्लॉग कैसा लगा वो गैस हमें कमेंट में एक बार याद से बता देना प्लीज गाइस, ताकि मुझे पता चले आपको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं देखने में, ताकि इसी तरीके का और ब्लॉग बनाने की कोशिश करता रहूंगा, अगर पसंद आया तो कमेंट करना कोई भी मेरे को प्यारा सा, ओके, और अगर और पसंद आया हो तो कर देना लाइक, लाइक भी कर देना पसंद आया हो तो, और लाइक करके और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और प्रेस कर देना।
रहे हो तो मेरे को अच्छा लगेगा और मैं डेली ब्लॉग लाता रहूँगा, ठीक है। तो देखते हैं काम व्यस्त कर लेना, तो करते हैं ब्लॉग यहाँ पे एंड, तो मिलेंगे आपको एक इंटरेस्टिंग और नए ब्लॉग में। तो तक लीजिए हिंद और जय भारत।